रहीम डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ uh, के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर वन यानी यूनिट नंबर वन को जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सो लेक्चर वन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या सो द वर्ड क्वाड ये जो क्वाड का वर्ड है इसका मतलब है square, इसका मतलब है स्क्वेयर square means anything raised to power 2 catches anything raised to power 2 any for example agar take care, x raised to power 2 so that is square okay 2 raised to power 2 that is square so anything raised to power 2 is square now इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहते हैं बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या चीज है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो डिग्री है जो कि जो पावर है जो हाईएस्ट पावर है वो इक्वल टू टू हो हम इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे कि एन इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच The highest degree of the variable is equal to two. E A case equation just वेरिएबल जो है जो कि अन नाउन है उसका जो डिग्री है जो कि जो पावर है वो इक्वल टू क्या हो टू हो मैक्सिमम और हाईएस्ट डिग्री जो है वो इक्वल टू टू हो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ कि टू एक्स स्क्वे प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन इक्वल टू लेट सपोज जीरो सो अब चूंकि इस साइड और राइट हैंड साइड के दरम्यान जो है हमारे पास क्या चीज आ रहा है इक्वल आ रहा है इसीलिए इसको क्या कह कहते हैं इक्वेशन और ये एक ऐसे इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल्स है अब यहां पे वेरिएबल क्या है x है सो so, x के जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है इक्वल टू टू है सो so, हमने ये देखा कि एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू टू एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर हो हाईएस्ट कुत नुमा हो हाईएस्ट वैल्यू uh, हो डिग्री ऑफ वैल्यू हो वो क्या हो इक्वल टू टू सो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो किस तरह होगा कि ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ये जो ए बी और सी ए सी है इनको कहते हैं कोएफिशिएंट्स ए बी सी को हम कहेंगे कोएफिशिएंट्स और जो एक्स है उसको हम कहेंगे क्या चीज वेरिएबल ना एक चीज का हमने ख्याल रखना है चूंकि हम देख रहे हैं किस चीज को क्वालिटी इक्वेशन को हम स्टडी कर रहे हैं और हमने ये कहा था कि क्वालिटी इक्वेशन equation, उन इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हाइस्ट डिग्री जो है वो इक्वल टू क्या हो टू हो सो so, केस अगर ये ए जो है वो जीरो हो यानी ए जो है वो इक्वल टू क्या हो जीरो हो तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क् विल बी जीरो पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगा ये क्या बनेगा ये एक इक्वेशन बन जाएगा सो so, हम ये कहेंगे हम यहाँ पे जो है एक कंडीशन रखेंगे एक शर्त रखेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी एक्स स्क्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसमें जो है जो ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो है वो जीरो नहीं है जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। प्लस टू माइनस थ्री कोई डेसिमल नंबर कोई कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि अगर जीरो हुआ तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्र विल बी जीरो तो तब जो है ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ठीक है और अगर हमारे पास बी इज इक्वल टू जीरो हुआ सपोज कर ले अगर हमारे पास बीज इक्वल टू जीरो हो तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एक्स विल बी इक्वल टू जीरो पूरा हमारे पास बन जाएगा जीरो तो बेसिकली हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरह बन जाएगा ए एक स्क्वेयर प्लस सी इक्वल टू जीरो तो अब भी अगर आप देख ले तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल है वो कितनी है टू जो कि एक रिक्वायरमेंट है किस चीज की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सो so, ये जो इक्वेशन है ये अभी भी अभी भी हमारे पास जो है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज है यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो क्वालिटी की क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है लेट्स सपोज मैं एक क्वालिटी क्वेश्चन लिख रहा हूँ टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम चेक कर ले तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है x इस x की वैल्यू को फाइंड करना इसको कहते हैं क्या चीज इसको कहते हैं सॉल्यूशन यानी एक्स की क्या वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लू और यहाँ पे पुट कर लू और इनको आपस में सॉल्व करने के बाद जो है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के तो ये जो एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करनी है जो कि इस इक्वेशन को क्या कर रहा हो फुलफिल कर रहा हो उसको हम कहेंगे सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे यानी जो क्वालिटी की क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए जो है हमारे पास दो मेथड्स है uh, दो मेथड्स है नंबर फर्स्ट मेथड इज बाय सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन 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 नंबर सेकेंड मेथड इज सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर कंप्लीटिंग द स्क्र ना हम बारी बारी देखेंगे कि बायफेक्ट्रोजेशन किस तरह करना है और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर कैसे करना होगा इसको लेकिन इससे पहले हम दो चार एग्जाम्पल करते हैं दो चार इक्वेशन देखते हैं कि क्या वो जो है एक क्वालिटी इक्वेशन है या नहीं सो so, हम यहां पर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जो है तीन चार इक्वेशन लिख लू Two uh, x square minus seventeen x plus four x square. टू एक्स इक्वल टू सेवेंटीन या अगर हमारे पास हो थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू टेन नाव हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इक्वेशन जो है वो क्वालिटिक इक्वेशन है और कौन कौन से क्वालिटिक इक्वेशन नहीं है सो so, चूंकि इस इक्वेशन में अगर हम देख ले तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है इक्वल टू टू सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम नंबर सेकंड को देख लें यहाँ पे भी हमारे पास जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है इक्वल टू टू सो ये भी हमारे पास क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है आल दो अगर चाहिए इसमें जो है हमारे पास जो बी एक्स वाला पार्ट है यानी एक्स वाला पार्ट नहीं है लेकिन डजेंट मैटर क्योंकि क्वालिटिक इक्वेशन के लिए हमने ये देखना है कि इस पूरी इक्वेशन में हाइस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल कितना कितनी है जो कि इस इक्वेशन में कितनी है टू एंड दैट्स इट दैट्स फाइन नाउ नंबर थर्ड को देखते हैं इसमें भी हमारे पास जो हाइस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल है वो क्या है टू है सो दिस इज ऑल्सो क्वालिक इक्वेशन नंबर फोर्थ को जब हम देख लें तो हमारे पास यहाँ पे जो वेरेबल है वो क्या है एक्स और उसका डिग्री कितना है कुछ नहीं है मीनस वन सो एक ऐसा इक्वेसन जिसमें वेरेबल की हाइएस्ट पावर जो है वो इक्वल टू वन हो उसको हम क्वालिटिक नहीं बल्कि उसको हम कहते हैं लेनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहते हैं और ये हमारे पास जो है एक क्वालिटिक इक्वेशन नहीं है ठीक है